दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। बहुत बड़ी खबर लेकर के आए, आप लोगों को बता दें उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में अब पोषाहार बना करके महिलाएं ही बांटेंगी। अभी तक बड़ी बड़ी कंपनियां पोषाहार बना रही थी, लेकिन अब यहां पर 18 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर सबसे पहले प्रथम चरण में प्लांट लगाए जाएंगे ब्लॉकों पर छोटे-छोटे। वहां पर आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों को बता दें जो आपके आसपास की जो महिलाएं होंगी उसमें वो लगाई जाएंगी, वो लोग काम करेंगे और उनको महीने में 5,000 से 7,000 रुपए की इनकम भी होगी। तो इन सबके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे, कौन कौन से ऐसे जनपद हैं प्रथम दृष्टया जो अभी सरकार प्रथम चरण में 18 जनपदों में लागू करने जा रही है। उन 18 जनपदों के सभी ब्लॉकों पर आंगनबाड़ी बहनों आपको बता दें पोषाहार अब छोटी छोटे जो है फर्मों द्वारा यानी आंगनबाड़ी बहनों यहां पर जो महिलाएं लगाई जाएंगी वो महिलाएं ही पोषाहार बनाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां पोषाहार नहीं बनाएंगी, वही बनाएंगी वही बांटेंगी, ऐसी जानकारी आ रही है। तो इसके बारे में बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंगलवार को जो लोक भवन में योगी आदित्यनाथ जी ने की है उसमें उन्होंने क्या क्या आदेश और निर्देश दिए उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो यहां पर बताया जा रहा है कि प्रत्येक महिला को रोजगार भी अब मिल जाएगा, 240 दिन का साल में रोजगार सरकार दे देगी पोषाहार को लेकर के जिन जिन ब्लॉकों पर। मैंने कहा था देखो ऐसे व्यवस्था करो तो अच्छा रहेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत कमाई की पोषाहार बना करके, अब छोटे छोटे लोगों को यदि ऐसे छोटे छोटे कामों में रोजगार सरकार देगी तो अच्छा रहेगा, कुछ थोड़ी बहुत इनकम वगैरह महिलाओं की होगी। लेकिन पैसों की बात की जाए तो 5,000 से 7,000 अभी सुनने में आ रहा है और इसके बारे में जिक्र भी हुआ है, अखबारों में भी निकल के आ चुका है, हम आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें सूबे के सभी ब्लॉकों में होगा पुष्टाहार उत्पादन, योगी आदित्यनाथ सरकार जी ने इसका ऐलान कर दिया। तो सबसे पहले हम आप लोगों को जो जनपद है 18 उनके नाम बता दें ताकि आप लोगों को संतुष्टि मिल जाए कि आपका जनपद का नाम ऐसा इसमें शामिल है या नहीं प्रथम चरण में। देखो ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा, पहले 18 जनपद ही हैं, पूरे 75 जनपद में नहीं होगा, सिर्फ 18 जनपद में लागू होने जा रहा है। और यदि ये सब कुछ ठीक चला तो पूरे 75 जनपद में उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी और हो सकता है भविष्य में इसी व्यवस्था को देखते हुए अन्य सरकारें भी रोजगार देते हुए महिलाओं को इसी तरीके से लगवा दिया जाए। इससे क्या होगा पंजीरी वगैरह जो भी पोषाहार बनेगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि जब महिलाएं बनाएंगी अपने गांव छोटे छोटे लेवल पर तो वो उसमें देसी अनाज सब कुछ चीजें डाली जाएंगी और अच्छे तरीके से गुणवत्ता का ध्यान भी होगा। अब बता दें इन जिलों में लगेंगे प्लांट, तो पहले जिलों के नाम सुन लीजिए, लखनऊ जिला शामिल है, अलीगढ़ जिला है, अंबेडकर नगर जिला है, औरैया जिला है, बागपत जिला है, बांदा जिला है, चंदौली जिला है, इटावा जिला है, बिजनौर जिला है, फतेहपुर जिला है, गोरखपुर जिला है, कन्नौज जिला है, लखीमपुर खीरी जिला है, साथ ही मिर्जापुर जिला है, प्रयागराज जो है और साथ ही सुल्तानपुर है और उन्नाव है। इतने जनपद हैं जहां पर प्रथम चरण में आपके 18 जो जिले हैं इनमें जो है प्लांट छोटे छोटे स्तर पर लगेंगे पोषाहार बनाने के लिए। अब बड़ी बड़ी कंपनियां फर्म नहीं बनाएंगी, अब महिलाएं ही आसपास की जो इनमें लगाई जाएंगी। इनमें आपको बता दें स्वयं सहायता समूह के जरिए होगा वितरण, तो जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होंगी वो इसमें वितरण वगैरह करेंगी, उनको भी सरकार काम में लगाएगी। सीएम बोले हैं कि आगे पूरे प्रदेश में यही मॉडल लागू हम करेंगे। तो दरअसल उनका काम यह है कि पंजीरी सिंडिकेट तोड़ने की दिशा में सरकार आगे यह कदम बढ़ा रही है। अभी हम आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी भाइयों बहनों देते हैं, पूरा पढ़ के आपको बताएंगे क्या क्या है और कैसा। सबसे पहले आप यह देख लीजिए प्रत्येक महिला को मिलेगा 240 दिन का रोजगार और पैसे की बात कर लेते कितना इनकम होगी जो बहनें इसमें काम करेंगी। तो खुशी की बात है 18 जनपदों में छोटे छोटे लेवल पर यदि पोषाहार बनाया जाएगा तो उसमें आसपास के जो है बहनें जो लगाई जाएंगी उनको थोड़ा बहुत मिल पाएगा। तो यह चलो एक अच्छा प्रयास है और मशीनों से हटा करके काम लोगों पर सरकार दे रही है, इससे क्या होगा थोड़ी बहुत इनकम वगैरह गरीबों में बटेगी। आप देख लीजिए प्रत्येक महिला को मिलेगा 240 दिन का रोजगार, इसमें लिखा है पुष्टाहार उत्पादन का कार्य अलीगढ़ अंबेडकर नगर औरैया बागपत बांदा चंदौली इटावा बिजनौर फतेहपुर गोरखपुर कन्नौज लखीमपुर खीरी लखनऊ मैनपुरी मिर्जापुर प्रयागराज सुल्तानपुर व उन्नाव में किया जाएगा। इस योजना में 3,000 से अधिक समूहों की महिलाएं उद्यमी वगैरह बनेगी, 3,000 से ज्यादा समूहों की महिलाएं बताया जा रहा है। प्रत्येक जिले को वर्ष में लिखा है प्रत्येक महिला को वर्ष में 240 दिन से अधिक का रोजगार प्राप्त होगा, यानी आपको डेली उसमें काम मिल जाएगा ये मान करके
के चलिए छुट्टी छोड़ दीजिए, बाकी आपका 240 यहां पर दिन एक साल में यानी आप लोगों को काम मिलेगा, ऐसी जानकारी आ रही। तो तब भी बहुत कुछ है। अब इसमें इनकम की बात करें, लिखा है हर महिला को लगभग 5 से 7 हजार रुपए मासिक आय प्राप्त होगी, यानी महीने में 5 से 7 हजार रुपए तक वही महिलाएं कमा पाएंगी जो इन कामों में लगेंगी। तो अच्छी बात है, जो बहुत से लोगों को शायद रोजगार मिल जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस योजना को जल्द से जल्द लागू करे और लोगों को रोजगार भी दे और उनको पैसा भी दे। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जानते हो लॉकडाउन के चलते बहुत ज्यादा परेशानियां लोगों के पास आई हैं। आगे देखिए, पूरक पोषाहार पर प्राप्त लाभ में भी अंश प्राप्त होगा। यह भी देख लीजिए, जो पूरक पोषाहार होगा उस पर प्राप्त लाभ में भी अंश प्राप्त होगा। इस परियोजना का एक वर्ष का टर्नओवर 1200 करोड़ रुपए का होगा, यानी आप देख लीजिए, इस परियोजना का एक वर्ष का टर्नओवर 1200 करोड़ रुपए का होगा। बहुत ज्यादा पैसा भाइयों बहनों आता है पोषाहार बनाने के लिए और बड़ी बड़ी कंपनियां आज तक बनाती रही है और बहुत से घपले हुए हैं, कभी बाधित रहा, कभी कम, कभी ज्यादा, ये समस्याएं थी। अब देखो ब्लॉकों पर बनेगा तो शायद थोड़ी बहुत धंधागर्दी कम हो जाए। अब देख लीजिए आगे और क्या लिखा है। इसमें लिखा है मुख्यमंत्री जी ने मंगलवार में जो है लखनऊ में मंगलवार को लोक भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समक्ष उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड आपका फूड प्रोग्राम के बीच में एएमओ पर हस्ताक्षर वगैरह भी कर दिया। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ सुर्खियों में है, अब इस पर आप इसके एएमओ पर हस्ताक्षर भी हो गए। अभी तक तो हमने आपको बहुत बार बताया भी था कि ब्लॉकों पर आगे चल के पोषाहार बनाया जाएगा और देखो अभी पिछले मंगलवार को यानी कल के दिन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साफ आदेश भी दे दिए गए, एएमओ पर हस्ताक्षर भी हो गए। अब आपका पोषाहार जो ब्लॉकों पर बनना था वो पूरा हो चुका है, अब यहां पर बनना शुरू होगा। अब देख लीजिए यूएन वर्ल्ड प्रोग्राम फूड प्रोग्राम व ग्रामीण आजीविका मिशन इनके बीच में एएमओ वगैरह पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब आपको इसमें बता दें और विस्तार से क्या लिखा हुआ, इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि महिलाओं व बच्चों को पोषाहार देने का पुनीत कार्य जो है पूरी जो है पवित्रता से किया जाना चाहिए। प्रदेश में 18 जिलों के 204 ब्लॉकों में पुष्टाहार उत्पादन कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरित किया जा रहा है। आने वाले समय में इसे प्रदेश भर में ब्लॉकों में जोड़ा जाएगा। तो अभी देख लो, अभी आपके टोटल 204 ब्लॉक हैं 18 जनपदों के जहां पर यह चीज शुरू की गई है। अभी इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब यदि सब कुछ अच्छा हुआ और लगा कि ठीक रहेगा और तो यहां पर सरकार पूरे प्रदेश में लागू करेगी। अब देखो हम आपको यह बता दें, ये इसमें जो जरूरी एक कड़ी है वो हम आपको बता दें। यहां पर आप देख सकते हो ये एक और खबर छपी थी, महिलाएं बनाएंगी पोषाहार 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। लखीमपुर खीरी में देखो एक ये खबर है, ऐसे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा सिर्फ 300 को नहीं, क्योंकि ये 300 केवल लखीमपुर खीरी से बहने होंगी। अब जरूरी जानकारी यह है कि अनाज से ही बनेगा पोषाहार, ये देख लीजिए कैसे बनेगा, जानकारी पूरी देखा करो तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ये देखिए डीसी आपके NRLM वगैरह ने बताया है कि पोषाहार के लिए गेहूं, चना, मक्का, चावल इन सहित अन्य खाद्य पदार्थों जिले के ही बाजार से खरीदे जाएंगे। महिलाओं को पोषाहार यूनिट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए इनके पैन नंबर अप्लाई कराए गए हैं, जीएसटी के लिए भी पंजीकरण कराया जा रहा है। इन महिलाओं को अच्छी क्वालिटी का पोषाहार बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो जो बहनें जो है पोषाहार बनाएंगी उनको सरकार ट्रेनिंग भी देगी और उनको जो है यहां पर उनका पैसा वगैरह भी शायद आएगा, प्लांट वगैरह भी लगाए जाएंगे ना छोटे छोटे, तो शायद उस चीज के लिए ही पैन कार्ड वगैरह मांगा जा रहा होगा, ये सब चीजें लगाई जा रही। तो धीरे धीरे सारी जानकारी इससे जुड़ी हुई निकल के आती रहेंगे और ऑल इंडिया आपको बताता रहेगा। बस आपको यहां पर ध्यान देना है कि हमें पूरी जो भी खबरें आती हैं उन चीजों को आपको देखना है। साथ ही और भी बता दें आपको, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से और भी जगह हैं वहां पर भी यही चीजें हर जगह लागू होंगी, तो अभी इंतजार कर लो, बाकी के जो जिले वाले हैं आपके वहां भी जल्दी ये चीजें लागू कर देगी सरकार। आगे देखिए, यूं जमीन पर उतरेगी योजना, देखते हैं कैसे उतरेगी। 6 महीने से 6 साल के बच्चे, गर्भवती किशोरी को बटेगा पुष्टाहार, 3000 से अधिक समूहों की महिलाएं इससे अभी जुड़ने वाली है, सिर्फ अभी इसके बाद और ज्यादा जुड़ेंगी। 5 से 7 हजार रुपए जो है यहां पर हर मां वगैरह महिला को मिलेंगे, यह भी बताया जा रहा है। तो आप मान के चलिए मानदेय यदि कहा जाए 5 से 7 हजार रुपया उन महिलाओं को भी दिया जाएगा। अब देखो 7 लाख जो है 20 हजार इतने से अधिक जो है कार्य दिवस मिलेंगे समूहों को और 2 विशेषज्ञ क्षेत्र व 1 राज्य स्तर पर मुहैया करवाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। साथ ही एक एक यूनिट उन्नाव फतेहपुर में खुद लगाएंगे आपके डब्ल्यू एच सी शायद एफ
ऐसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो भी है आप लोगों ने देखा है, बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आप लोगों को अभी इसमें देखनी है। प्लांट के लिए बिना ब्याज कर्ज वगैरह भी मिलेगा, ये देखते इसमें क्या है लिखा है। अपर मुख्य सचिव सामान्य विकास जो है ग्राम्य विकास मनोज कुमार ने बताया है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 3 साल तक तकनीकी वगैरह सहयोग देगा। प्लांट के लिए 204 स्थान वगैरह चिन्हित किए गए जा चुके हैं और आपका WSP लिखा हुआ इसका ऑडिट करेगा। जो भी समूह प्लांट लगाएंगे उन्हें 3 साल तक जो है चलाना होगा। प्लांट लगाने पर 30 से 60 लाख तक का खर्च आएगा। एक प्लांट का एक ब्लॉक पर कितना खर्चा है, 30 से 60 लाख तक का है। अब ये सरकार को आगे लिखा, इसके लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के फंड से बिना ब्याज या मामूली दरों पर कर्ज देने का प्रस्ताव केंद्र को भी भेजा गया है। यानी कोई यदि लगाना भी प्लांट चाहेगा 30 से 60 लाख का, यदि कोई बड़ा आदमी लगाएगा ब्लॉकों पर, तो उसको मौका मिलेगा और वो कर्ज भी जो है बिना ब्याज पर उठा सकता है। इसके बारे में जानकारियां आ रही हैं। तो यहां पर आगे देख लो, दूर होंगी शिकायतें। सीएम ने कहा है कि पुष्टाहार के कार्यक्रम में आमतौर पर शिकायतें ही मिलती हैं कि इस अभियान में इनसे भी जो है निजात मिलेगी, वितरण में भी पारदर्शिता आएगी और कार्यक्रम से जुड़ी हर महिला को औसतन 240 दिन का सालाना रोजगार मिलेगा। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्होंने कहा है कि राशन की दुकानों के संचालन और बिजली के बिल जमा करने की जिम्मेदारी, बेसिक स्कूलों के यूनिफॉर्म देने जैसे अभियानों के जरिए ही भी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। ये सब चीजें उन्होंने कही हैं और यहां पर आप देख सकते हो शिकायतें तो बहुत आती रहती हैं कि कहां पर कितना पुष्टार का घोटाला हुआ है, ये सब चीजें। तो ऐसे हो सकता है महिलाओं को रोजगार मिले और यदि जिम्मेदारी छोटे छोटे स्तर पर महिलाओं पर होगी तो शायद जो है वो अपने जिम्मेदारियों को जैसे आंगनबाड़ी बहनें निभाती चली आई हैं वैसे ये लोग भी निभाएंगे। आगे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं माइक्रो आपका एंटरप्राइजेस के रूप में पंजीकृत किए जाएंगे और पहले चरण में 18 जिले में 204 विकास खंड हैं वहां पर फूड प्लांट लगाए जाएंगे। इस मॉडल को आगे चल करके पूरे प्रदेश में लागू जाएगा। उन्होंने कहा है कि 25 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों को कुल 600 करोड़ रुपए मिले हैं। आप देख लीजिए 25 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों को कुल 600 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि इस कार्यक्रम का एक साल का टर्नओवर 1200 करोड़ रुपया होगा। आप देख लीजिए कितना ज्यादा भारी भरकम जो है लाभ भी लोगों को आने वाले समय में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आगे देखो क्या एक नया मोड़ लेकर के आती है, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा वो वक्त के साथ ही दोस्तों पता चल पाएगा कि किस नियत के साथ क्या हो रहा है। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि यदि छोटे स्तर पर ये सब होगा, कुछ रोजगार के टाइप में ही हो रहा है, तो शायद रोजगार बहनों को मिल जाए और हम इसी उम्मीद के साथ है कि लोगों को काम धंधा है रोजगार में सरकार लगाए तो अच्छा है। लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते तो वहां पर दिक्कतें होती हैं। पंजीरी सिंडिकेट तोड़ने की दिशा में सरकार दरअसल कदम बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि पोषाहार वितरण में पंजीरी सिंडिकेट तोड़ने की दिशा में सरकार ने कदम वगैरह आगे बढ़ा दिया है। पहले चरण में 18 जिले सब कुछ शामिल है। अब बता दें अगले 2 साल के भीतर भी पूरी तरह से पंजीरी सिंडिकेट को बाहर भी कर दिया जाएगा। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां पंजीरी बना रही हैं उन सबको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप देने देखा है अभी कितना बड़ा घोटाला पिछली बारी पोषाहार का हुआ है, अरबों खरबों में ऐसे घोटाले होते रहते हैं। अब बता दें यहां पर लिखा है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय से कुपोषित बच्चे महिलाओं और किशोरियों के लिए पोषाहार के इंतजाम होते हैं। केंद्र सरकार के फंड से चलने वाली इस योजना में गड़बड़ियों और पैसों की बंदरबांट के तमाम आरोप लगते रहे हैं और 2017 में जब सूबे में योगी सरकार बनी तब पंजीरी सिंडिकेट और शासन जो है यहाँ पर लिखा है सिंडिकेट तोड़ने की योजना बनाई गई। अब देख लीजिए तमाम जो है यहाँ पर लिखा है कोशिशों के बाद से सिंडिकेट कमजोर वगैरह तो वगैरह जरूर हुई है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। तो अब आगे देखो क्या होता है, भ्रष्टाचारी थोड़ी बहुत हटती है या नहीं हटती है। अब यो सूबे के सभी ब्लॉकों में 18 जनपद है वहां के सभी ब्लॉक है मैंने टोटल बता दिए, वहां पोषाहार के लिए प्लांट लगाए जाएंगे और वहां के जो आसपास के बहनें होंगी तो उन्हीं को लगाया जाएगा काम में और उनको 5 से 7 हजार रुपया महीना भी सरकार देगी, इससे उनका इनकम वगैरह भी हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दें ये आपने देखा है और हमने पूरी जानकारी बता दी। अब आगे बता दें हमारी बहन है हेमलता बहन यूपी आजमगढ़ से, उन्होंने भी एक फोटो भेजा है। साथ ही एक ये बहन है सरिता पटेल बहन, उन्होंने भी अपने वहां से एक फोटो भेजी है। साथ ही एक और बहन है आराधना जो है बहन है कानपुर से, उन्होंने भी मुझे एक फोटो भेजा है। अब बता दें आज का वीडियो कैसा लगा, शाम का पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ दोस्तों। और आप लोगों को कल मिलने वाले हैं, आप लोगों की मानदेय की खबर को लेकर के भी जानकारी यदि आएगी तो आप लोगों तक पहुंचा देंगे, जैसा होगा आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए कल और भी खबरें हम लेकर के आने वाले, स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर के और भी जो में आदेश अब निकलने लगे तो उसके भी सरकारी आदेश कल ला रहे हैं। तो आप लोग कल सुबह इंतजार दोस्तों जरूर करना 7 बजे के वीडियो का, और उसके बाद 11 बजे आता है, फिर 3 बजे आता है, फिर शाम के 7 बजे आता है। देखो डेली के वीडियो देखो, हर जानकारी हम आप लोगों तक समय से पहले देते हैं। और ये देखो पंजीरी वाला भी मैटर अब जाकर के AMU पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन इसका जब से मामला चल रहा था कि ऊपर स्तर से तब से ही हमने बता रखा है कि अब ब्लॉकों पर जो है पोषाहार बनवाया जाएगा। और देखो आज वही सब कुछ हुआ।